अगर आपने हमारे चैनल टेलरिंग इन हिंदी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑन कीजिए बेल आइकन को, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज में पाइपिंग लगाने के दो तरीके, आसान और सरल। जैसे हमारा आगे का है तो हमने जितनी हमें गले की लंबाई रखनी है उतनी हमने लंबाई ले ली है और चौड़ाई तो हमें गले की 2.5 इंच की रखनी है। तो पहले हम आगे की साइड पाइपिंग लगाएंगे और उसके बाद पीछे भी गले को काट के पाइपिंग लगाएंगे। तो पहले हमें क्या करना है, जैसे हमारा अस्तर वाला गला है तो हमें पहले यहाँ पे सिलाई लगानी है जिससे हमारा अस्तर और कपड़ा दोनों जुड़ जाए। अभी अस्तर और कपड़े हमारे दोनों जुड़ गए हैं, अब हम यहाँ पे ऊपर से बराबर कर लेंगे जिससे हमारे अस्तर और आगे का जो पल्लव है कपड़ा हमें दोनों बराबर करना है। और यहाँ पे भी हम इसको बराबर रखेंगे, दोनों अस्तर और कपड़ा बराबर होना चाहिए। अब जितनी हमें लंबाई रखनी है उतनी तो हमने गले की लंबाई ले ली, अब इसको हमें यहाँ से बराबर रखना है और इसको यहाँ से देखना है। अब इसके ऊपर पाइपिंग लगाएंगे। जैसे हमारा कपड़ा बचा हुआ है तो पहले हम इसको तिरछा करेंगे, यहाँ से कुन्नी से इसको हमें तिरछा करना है इस तरीके से। अब यहाँ पे हम 1.5 इंच की चौड़ाई रखेंगे पट्टी की। अभी पट्टियों को हमें जोड़ना है, तो ये हमारी पट्टियाँ ये ऐसी हैं, यहाँ पे कुन्ना नहीं है, इधर की साइड कुन्ना है, तो ये दोनों साइड इसी तरीके से कुन्ने वाली और ना कुन्ने वाली पट्टियाँ हैं। तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पे कुन्ना नहीं है तो ये कुन्ने वाली पट्टी को इसमें जोड़ना है इस तरीके से। इसी तरीके से हमें सिलाई लगानी है। अभी हमने पट्टियों को जोड़ लिया है और बराबर कपड़ा दबाया है। अब ये हमारा सीधा है, सीधे के ऊपर हम ये पट्टी को रखेंगे। पहले हम यहाँ से सीधा करेंगे, अब इसके ऊपर रखेंगे 1/2 इंच हम पट्टी को बाहर की साइड रखेंगे। अब यहाँ से पाइपिंग को हम इस तरीके से करेंगे, पट्टी को हम अंदर की साइड दबाएंगे इस तरीके से। हमें ये अंदर का जो कपड़ा है इसको भी दबाना है। अब ये अंदर का कपड़ा भी दब गया, अब यहाँ से हमें कपड़े को काट लेंगे, पट्टी का जो कपड़ा है। अब यहाँ से हम इसको अंदर की साइड दबाएंगे, जो हमारा पट्टी बाहर की साइड निकल रहा है कपड़ा, अंदर की साइड यहाँ से। और जितनी हमें पतली पाइपिंग बनानी है उतनी हम बाहर की साइड रखेंगे और इसको दबाते हुए अंदर की साइड कपड़े को पाइपिंग के नीचे सिलाई लगाएंगे। अभी हमारी पाइपिंग बन गई है और अंदर के साइड इस तरीके से कपड़ा दबा हुआ है, बाहर बिल्कुल कपड़ा दिखाई नहीं दे रहा है जो अंदर का कपड़ा है। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड बनाएंगे। भी हमारा अंदर का कपड़ा भी दिखाई दे रहा है और छोटा सा गला है तो हमने पाइपिंग अच्छे से लगा ली है। अगर इसकी जगह बड़ा गला होगा तो आपको भी लगाने में जैसे दिक्कत आएगी, तो आप इस तरीके से आप दोनों साइड पाइपिंग लगा सकते हैं गले में। अब हम पीछे के गले पे भी इसी तरीके से पाइपिंग लगाएंगे। तो जैसे हमारा पीछे का पल्लव, तो हमें यहाँ से डबल करना है।
अब यहाँ पे हम गले की चौड़ाई 2.5 इंच की लेंगे। गले की लंबाई जैसे आप 8 इंच की रखना चाहते हैं या 9 इंच की, उसी के हिसाब से आप लंबाई पर निशान लगा लें। तो हमने 9 इंच पे निशान लगाया है और इसके बाद यहाँ से हम इसको चौकुटा बनाएंगे। अब इसके बाद यहाँ से हम इसको गोलाएंगे। अब यहाँ पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। अभी हमने अस्तर और कपड़े पे दोनों पे सिलाई लगा ली। यहाँ से पट्टी को बराबर करना है और इसके ऊपर रख के हमें सिलाई लगानी है। कपड़े को हमें आधा आधा इंच ही दबाना है। इस बात का हमें ध्यान रखना है कपड़ा हमारा कम या ज्यादा ना दबे, आधा आधा इंच ही दबाना है। अब ये अंदर का कपड़ा दबाते हुए हमें एक सिलाई लगानी है। इसको अंदर की साइड दबाएंगे और अंदर का कपड़ा भी हमारा दबना चाहिए जब ये पाइपिंग अच्छी आएगी। अभी अंदर का जो कपड़ा है इसको काट लेंगे। अभी हमारा अंदर का कपड़ा दब गया है इस तरीके से। अब इसकी हम पाइपिंग बनाएंगे। अभी हमारा पीछे का भी गले पे पाइपिंग लग गई है। अब इसमें हम आगे के पल्लर बड़ी आसानी तरीके से जोड़ सकते हैं। यहाँ से शोल्डर यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे। अभी दूसरी साइड में इसी तरीके से शोल्डर को जोड़ेंगे। अब यहाँ से शोल्डर को हम अंदर के साइड दबा के एक सुई की मदद से टांका लगा लेंगे। अब ये दोनों साइड हमने टांका लगा लिया है यहाँ पे। इसी तरीके से दूसरी साइड भी। अभी हमारी पाइपिंग लग गई है। ऐसे लगाने से क्या है, ये हमारा यहाँ पे लंबाई कम रहती है और छोटा गला है तो हम बड़ी आसानी तरीके से पाइपिंग लगा सकते हैं। आगे की साइड लगा लें, फिर पीछे की साइड, फिर यहाँ पे दूसरी साइड है आगे वाला पल्ला, तो यहाँ पे भी लगा लें। तो बड़ी अच्छी तरीके से हम पाइपिंग लगा सकते हैं। तो अब मैं आपको जैसे दूसरी तरीके से भी पाइपिंग लगाना बताऊँगी। अब ये हमारा शोल्डर जुड़ा हुआ है तो इस तरीके से भी हम पाइपिंग लगा सकते हैं। अभी हमने आगे और पीछे के दोनों गले जोड़ लिए हैं और जितनी हमें गले की लंबाई रखनी है उतनी हम गले की लंबाई रख लें। अब पीछे का गला भी हम जितना लंबा रखना चाहते हैं उतना हम पीछे का गला लंबाई में ले लें। इसके लिए हमें एक चौकुटा कपड़ा लेना है पाइपिंग के लिए, तो हम यहाँ से तिरछा करेंगे कपड़े को। अभी पट्टी की चौड़ाई तो हमें 1.5 इंच की लेनी है।
ये यहाँ पे मैंने दूसरी कलर की रील लगाई है जिससे आपके अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये हमने कपड़े को एकदम बराबर दबाया है और जैसे हमारा ये पट्टी की कटिंग है उसी कटिंग के ऊपर हमने सिलाई लगाई है। तो इस तरीके से हम पहले पट्टी को जोड़ेंगे। अब यहाँ से हम इसको बराबर करेंगे। अभी हमारा सीधा सीधे के ऊपर हमें पट्टी को रखेंगे और सिलाई लगाएंगे आधा आधा इंच का कपड़ा दबाते हुए। अभी कपड़े को हमने आधा आधा इंच ही दबाया है। आप देख सकते हैं ये हमने दूसरे कलर की रील लगाई है जिससे आपके अच्छे से समझ में आ जाए और ये कपड़ा हमारा बराबर दबा हुआ है। इस तरीके से बराबर होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, ये पट्टी को दबाना है इस तरीके से और ये अंदर का जो कपड़ा वो भी हमारा दबना चाहिए पट्टी के अंदर और यहाँ पे बिल्कुल झूल ना आए। और ये अंदर जो कपड़ा हमारा ज्यादा है इसको काट लेंगे पट्टी को। अब ये अंदर का कपड़ा हमारा दब गया है और ये आप देख सकते हैं दूसरे कलर की रील लगी हुई है और ये अंदर का कपड़ा कैसे दबा हुआ है बिल्कुल दिखाई भी नहीं दे रहा है। पट्टी से हमारा कपड़ा दब गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे की साइड भी बिल्कुल भी झूल नहीं है, यहाँ पे कपड़ा झूल नहीं है। तो इस तरीके से हमें कपड़े को दबाना है। अब यहाँ पे इसको अंदर की साइड रखेंगे और यहाँ से जितनी पतली पाइपिंग बनाना चाहे उतना हम पाइपिंग को बाहर की साइड रखेंगे और पाइपिंग के नीचे यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। हम पाइपिंग को थोड़ा थोड़ा इस तरीके से पकड़ के रखेंगे और सिलाई भी लगाएंगे। अभी हमारी पाइपिंग बन गई है और अंदर का कपड़ा भी दब गया है। तरीके से आप बड़ी आसानी तरीके से पाइपिंग लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से शोल्डर जोड़ के पाइपिंग लगा सकते हैं और जैसे हमने यहाँ पे शोल्डर को बाद में जोड़ा है और पाइपिंग को पहले लगाया है तो इस तरीके से भी आप पाइपिंग को लगा सकते हैं। अगर आपके ब्लाउज की पाइपिंग सही आएगी तो आपका ब्लाउज भी एकदम सही बैठेगा और अच्छा लगेगा। तो ये बन गई हमारे दोनों तरीकों से पाइपिंग। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे बेबी अच्छी तरीके से पाइपिंग लगाना सीख जाए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।